अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बेटा, आज आपका जो मैं क्लास फाइव के मैथ बेटा आपको समझा रही हूँ, और ये एक्सरसाइज है बेटा 1C है, ठीक है बेटा। और इसका पेज नंबर है 14, आपकी बुक में मौजूद है, क्लास कॉम्पेंट की बुक में। तो आप ये बुक से टैली कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, उसके लिहाज से आप इसको कैमरे में फिल कर लीजिएगा बुक में, और फिर कॉपी को उतार लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, आपके पास है सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ठीक है। ब्लैंक्स करने हमें आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनको आपको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ 720856। अब इसको उन्होंने दिया है, यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर ये नंबर आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर सेम है बेटा, 720856, लेकिन इसमें 3 जीरो का इजाफा है, 3 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए, इसका मतलब 3 जीरो किस में आते हैं, 1000 में आते हैं। अगर आप 1000 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 लिखना है। अगर हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ब्लैंक्स का जगह को राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पे, आ जाइए सेकंड में, आपके पास है यहाँ पे कौन सा नंबर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आपके पास डिजिट अब वापस आ जाए। तो आप देखें यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, 438695, और 00 जो लगे हुए वो 100 के लगे हुए, इसका मतलब हम 2 जीरो छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 438695 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर रिटर्न आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाइए सी में, आपके पास देखिए ये 45200 को मल्टीप्लाई करने है हमें किसे, 20 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 जीरो इसके लिख लें, 1 2 3 3 जीरो इसमें आप डाल लें, 1 2 3, फिर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 आ जाएगा बेटा, 2 5 10 10 का 0 आ गया आपके पास, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 प्लस कर देंगे तो 9, या आप इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 904000 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाइए 152695 इज डिवाइडेड बाय 10, अगर आप 10 को डिवाइडेड करें इस नंबर के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, तो बेटा रिमाइंडर कैसे आएगा कि अगर यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे सिर्फ 0 होता बेटा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता 10 से डिवाइड करने के बाद, लेकिन आखिर में आपके पास यहाँ पे 5 डिजिट है तो जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो 5 है यही आपका क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, ठीक है बेटा। अब आ जाइए इसको हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं, आपके पास 358800 और उसे हमें डिवाइड करना है 100 से, जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट हो जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो से कट हो जाएगा, और कट होने के बाद जो नंबर बचेगा वही डिवाइड होकर आएगा, यानी कि आपके पास नंबर आएगा 3588, वही हुआ आपका क्या नाम है, डिवाइड करने के बाद ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ट्रू फॉल्स हमें करने है बेटा। ट्रू फॉल्स करने का तरीका क्या है, क्या हमें क्या करना है, यानी कि इक्वल के इधर और इक्वल के बाद वाले नंबर्स को आपको देखना है, इक्वल के इधर और इक्वल के नंबर्स के बाद को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों तक इक्वल नंबर्स नहीं आ रहे तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि हमें 8 पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 9 और 8 को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसको 3 से क्या नाम है आप क्या करेंगे उसको, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तक अगर इक्वल आते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ट्रू, अगर दोनों तक आंसर इक्वल नहीं होता तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है आप इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ट्रू, और ये भी आपका आंसर ट्रू है, और इसका भी आंसर ट्रू है, और ये आपके पास फॉल्स आंसर है, और ये आपके पास फॉल्स आंसर है, ठीक है बेटा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अपनी बुक्स पर कीजिएगा, उसको कॉपी पे इसको आप होमवर्क कर कंप्लीट कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।